उम्मीद और दुआ के सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला तब को खेताफियत रखे अमान तो में रखे कुरान से जोड़ के रखे कुरान के लिए हम लोग जो भी मेहनत करें जो भी कोशिश करें अल्लाह उसको आसान करें हमारे लिए बहुत ज्यादा अजर उसमें दे और उसको जो है हमारे जन्नत में जाने का जरिया बनाए आमीन आज हम अरबिक ग्रामर में निगेशन के ही सिलसिले में आगे पढ़ेंगे निगेशन जो कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नाफिया कहलाते हैं वो जिसमें किसी चीज को निगेट किया जाए जिसरा और जो पॉजिटिव सेंटेंस जो हम पढ़ते हैं उसको पॉजिटिव नहीं कहा जाता बल्कि अफरमेशन इंग्लिश में कहा जाता है वैसे मसबत उर्दू में हम लोग कहते हैं मगर निगेशन यानी कि जुमलों को नफ़ी में बात करना नहीं है तो उसमें वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो जुमला फेलिया में भी होते हैं और जुमला इस्मिया में भी निगेशन होती है दोनों में अलग अलग टूल यूज होते हैं इन दोनों सेंटेंसेस जो होते हैं फेलिया और इसमिया दोनों में निगेशन होती है मगर टूल्स डिफरेंट होते हैं और थोड़ी थोड़ी चीजें डिफरेंट होती हैं। जुमला इस्मिया और फेलिया जो है हम कर चुके हैं अलहमद लेकिन हम उसको एक दफा देखते हैं कि जुमला इस्मिया कौन सा होता है वो जुमला जो इसम से शुरू हो इसमें शुरू की चीज इसम होती है और इसमें उसका मेन समझे वो होता है जैसा कह लें सबसे अहम चीज उसका फोकस इसम ही होता है उसमें प्रेजिडेंट सीट पे कह ले उस वक्त इसम होता है जुमला इसमिया में और जुमला फेलिया वो जुमला जो फेल से शुरू हो जुमला फेलिया होता है और उस फेल के गिरती बात घूमती है तो इसमिया फेलिया हम देख चुके हैं मगर चूंकि हम उसी को आगे उसकी निगेशन देखेंगे तो थोड़ा सा इसको एक दफा आंखों से गुजार लें तो अच्छा रहता है तो निगेशन दो उसमें जुमला फेलिया और जुमला इसमिया लास्ट क्लास में हमने इससे पहले का जो सेशन लिया था उसमें हमने फेलिया फेलिया को देखा था कि फेलिया के जो चीजें उसमें निगेशन के लिए यूज होती हैं हमने वो टूल्स पढ़े थे और वो हर्फ थे और हर्फ में हमने ला और माँ पढ़ा था लम लम्मा लन पढ़ा था और माँ जो है हमने देखा था कि स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और वो मादी और मुदारे दोनों पे वर्क करता है जबकि ला जो है वो प्रेजेंट पे ही होता है मोस्ट होता ही प्रेजेंट पे ज्यादातर और बहुत कम बहुत कम पास्ट पे नजर आएगा और जब पास्ट पे नज़र आएगा रिव्यूज ले कर रहे हैं कि हमें आगे वो करने में आसान रहे हमने पढ़ा था कि ला जो है मोस्टली आपको प्रेजेंट के साथ ही नजर आएगा यानी कि जो ला नाफिया है ला या हजन इस तरह यानी कि मुदारे के साथ नजर आता है पास्ट में बहुत कम एग्जाम्पल है और जब नजर आएगा तब भी वो आ, उसके साथ नजर आएगा जैसे वो तकरार रिपीटेशन होगी जिस तरह फला फलाका वला ठीक लम पढ़ा था हमने लम जो है प्रेजेंट के साथ लगता है मुदारे के साथ लेकिन मीनिंग मादी का देता है डिड नॉट के मीनिंग होता है लम्मा जो है नॉट येट इसको और लन को फ्यूचर में पढ़ा था हमने कि ये भी मुदारे के साथ ही लगते हैं सब सही मादी के साथ सिर्फ माँ लगता है और लम जो है लगता मुदारे के साथ है, मीनिंग मादी के देता है तो हमने ये चीजें अलहमदल्ला लास्ट टाइम देखी है फेलिया में कि किससे रेफ्यूटेशन जब माँ लगता है तो स्ट्रॉन्गली रेफ्यूटेशन होता है और लम से सिंपल निगेशन होता है इसी तरह मुदारे में सबसे कॉमन जो है ये आपको बहुत नजर आएगा कि ला के साथ मुदारे सिंपल निगेशन के लिए और माँ जो है स्ट्रोंग आता है तो जब हम उस पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब ऐसा रेफ्यूटेशन है कोई चीज अल्लाह तला को क्लियर बतानी है कि नहीं ये नहीं है ऐसा तब माँ यूज होता था स्ट्रोंग और फिर फ्यूचर में भी यही चीजें थी और फॉरबिडिंग वाला नाहिया अभी हमने किया नहीं मगर हमें पता है कि नाहिया जो होता है नहीं करो जैसे किसी को मना करना किसी चीज से के shouldn't do जैसे तो उसमें मुदार मज़ूम होता है वो ला नाहिया होता है अब हम आज जो हमारा मेन टॉपिक है जिसको हम कर, शुरू करेंगे इनशाला निगेशन जुमला इसमिया में जुमला इस्मिया में क्या चीजें कोई थोड़ी सी डिफरेंट चीज है और थोड़े से इंटरेस्टिंग चीजें मतलब मुख्तफ चीजें भी हैं जो उस दिन देखी थी मगर आप लोग उससे रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हमने उसको वो भी कह लिया इसके अंदर जो टूल्स ऑफ निगेशन यूज होते हैं नफी कहते हैं इसको सिंगल को कहते हैं अदातुल नफी और वैसे यानी टूल्स ऑफ निगेशन ठीक इसमें लानाफिया लानाफिया मा लिस इन लाता अच्छा ला नाफिया आपने उसमें भी देखा था और मा भी देखा था हमने लानाफिया किसमें देखा था फेलिया जुमला फेलिया में भी देखा था कि ये लानाफिया जो होता है आमतौर पर मुदारे के साथ आता है और कभी कभी जो है मादी के साथ बहुत कम नजर आता है मगर इसम में लानाफिया इसम में भी नजर आएगा इसी तरह माँ भी हमने पढ़ा था ये मादी के साथ भी आता है मुदारे के साथ भी आता है और अब इसम की दुनिया में भी माँ इंपॉर्टेंट है लहीिसा जो है ये बिल्कुल न्यू चीज है ये सिर्फ आपको सिर्फ कहा मिलेगा ये ये आपको मिलेगा सिर्फ इसम के यानी कि जुमला इसमिया में लहीिसा लैस, दिख रहा है और इसी से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे फिर इन नाफिया इन नाफिया भी अगर आपको याद हो जब हमने टूल्स ऑफ निगेशन पढ़े थे जुमला फेलिया में तो उसमें था इन प्लस इल्ला मा प्लस इल्ला ये शेयर्ड होता है यानी कि फेलिया में भी होते हैं इसमिया में भी होते हैं तो इन नाफिया उसी तरह का है और फिर एक लफ्ज लाता आता ठीक तो हम लईसा से शुरू करेंगे कि क्या है okay. अच्छा लईसा जो है ये इनमें कोई बताएगा कि ला जो है माँ और, मा और लईसा इनमें क्या फर्क हो सकता है लईसा इन सब से अलग है चीज जो है जामिद है जी लईसा जामिद है और अफाल नाकिसा में कहलाता है अफाल, अफाल में बाकी देखे ला जो है क्या हर्फ होते हैं माँ भी हर्फ में है ये इन भी हर्फ है ये सारे हरू हरूफ हैं और इसम तक नहीं है कोई यानी कि इसम इसम भी होता है माँ का मगर हम लोग इसमें जो यूज करते हैं वो हर हर्फ के उसमें आता है यानी कि क्योंकि माँ की जिस तरह डिफरेंट टाइप्स होती है ना कुछ इसम भी होते हैं और कुछ हर्फ भी होते हैं मगर माँ के भी जो टाइम निगेशन के लिए जो यूज होती है वो हर्फ है सिर्फ लईसा ऐसा है कि जो फेल है और इरेगुलर फेल इसको अफाल नाकसा कहा जाता है और इसमें बहुत और भी फेल आते हैं जो हम कॉमनली कुरान में कुछ नजर आते हैं अफ़ाल नाकसा तो वहां से शुरू करेंगे अफ़ाल नाकसा क्या होते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं अफाल नाकसा कौन से होते हैं कि ये नाक़ मतलब ही होता है ना डिफेक्ट कोई चीज नुकसान कमी कमी हो जिसमें तो ये ऐसे अफ़ाल होते हैं जो मीनिंग्स के एतबार से नाकस होते हैं यानी उसमें कुछ जरूरत रहती है ताकि मफहूम पूरा हो सके यानी कुछ कमी रहती है कि समझ नहीं आई बात जैसे अब हम कहें जहाबा लाजिम फेल है मगर उसकी ट्रांसलेशन क्या होती है वो चला गया तो आपको बात समझ आ गई राइट लेकिन अगर मैं कहूं काना वो था तो आप कहेंगे वो था एकदम क्वेश्चन मार्क होगा ना वो था क्या मतलब उसकी कोई सिफत चाहिए होगी कि कैसा था अच्छा था बुरा था यानी कुछ ना कुछ आपको रिक्वायर्ड होगा मजीद वजाहत चाहिए होगी ताकि मफहम पूरा हो सके काना है काना का मतलब होता है वो था ही वॉस जैसे फिर कानत कुरान में बहुत दफा नजर आता है कानू तो ये सब अफाल नाक़सा में आते हैं इसी तरह इसा भी है तो ये फेल लाजिम जो यानी अफाल नाकसा की बात कर रहे हैं नाम कि ये क्या होता है कि फेल लाजिम इसमें फाइल तो होता है लेकिन मुकम्मल मफहम पूरा नहीं होता मफूल भी क्योंकि लाजिम में तो मफूल होता ही नहीं है वैसे ही और सिफ्त भी नहीं है तो फिर क्या होता है इसको हमें किस तरह फेले नाकिस को करना होता है कि हमें फिर कोई सिफ्त चाहिए इसकी ठीक मफूम पूरा करने के लिए हमें चाहिए तो इसको हम अभी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि इसका हमने टॉपिक पूरा नहीं पढ़ा लेकिन मैं सिर्फ आपको उतना बताऊंगी जितना हमें आज का जो लेसन करने के लिए कि को निगेशन के लिए कैसे टूल यूज करते हैं जुमला इसमिया में अच्छा अफाल नाकिसा जो है काना व अखवाता जैसे हमने इन्ना व अख्वाहा पढ़ी है ना इन्ना का अन्ना का अन्ना तो वो उनका होता है जैसे एक पूरी फैमिली होती है सारी सिस्टर्स होती हैं इन और इन और उसकी सिस्टर्स इसी तरह काना व अखवात अखवाता के नाम से काना और उसकी सिस्टर्स यानी ये अफाल नाकिसा में आते हैं और इनमें सबसे ज्यादा कुरान में आपको काना नजर आता है और फिर लईसा नजर आता है असपहा भी नजर आता है ये सब आपको जानी पहचानी शक्ल दिखेगी तो काना और लईसा ठीक है तो अभी हम चूंकि लईसा की बात कर रहे हैं तो इसमें काना के मीनिंग होते हैं ही वॉस और कानत होगा तो शी वॉस लेकिन वो बात क्लियर नहीं है ना इसी तरह लईसा का मतलब होता है कि इज नॉट वो नहीं है यानी कि हम इसमें हाल में बात करेंगे और कहेंगे नहीं है अब नहीं है मैं आप आगे पहुंचेंगे ना क्या नहीं है नहीं है, है ये फेल इसको अफाल नाकिसा कहा जाता है कि ये इसमें बात कंप्लीट नहीं है इसको कुछ और चाहिए तो जब अफाल नाकिसा यानी इन सब में से मगर चूंकि हमें निगेशन वाली बात करनी है तो हम सिर्फ लेसा को देखेंगे क्योंकि हमें ये निगेटिंग है नहीं है कि मीनिंग है तो जब अफाल नाक़ा जुमला इस्मिया पे एंटर होते हैं तो जुमला इसमिया के पार्ट आपको पता ना एक मुफ्त होता है खबर होती है आप याद करें मुफ्त जो होता है रफा भी होता है और मारफा भी होता है याद है और खबर जो है रफा होती है और नखिरा होती है हम ऐसे पढ़ चुके थे मतलब मोस्टली रूल था वो कि दोनों चीजें रफा होती है नॉर्मली जुमला इसमिया में मगर जब ये वाले चीजें अफाल नाकिस इसमिया पे एंटर करते हैं तो मुबतदा तो रफा ही रहेगा मगर खबर नस्ब हो जाएगी यानी नॉर्मली खबर रफा होती है इसकी खबर नस्ब हो जाएगी तो चूंकि फिर जब ये एंटर होके करते है ना तो फिर इसको अपना नाम दे देते हैं जब भी कोई चीज एंटर होके करती है ना कुछ तो वो उसको अपना नाम दे देती है जैसे इन्ना का याद है आपको इन्ना पे हम क्या कहते थे जिसपे इन, इन्ना, इन्ना है ना इसमो इन्ना भी होता था उसमें हम उसको मुबतदा के बजाय इन्ना कहते थे वो होता मुबतदा ही था लेकिन चूंकि वो उसने फैक्ट किया इस पे इन्ना से आपको पता है ना नसब हो जाती थी चीज हरफफ नसब से नस्ब हो जाता था मुब्त ही नसब हो जाता था उसमें तो तो हम उसको इस्मो इसमोना कहते थे अब यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है खबर नस्ब हो रही है सही इसकी एग्जाम्पल भी हम देखेंगे तो लईसा जो है इसके मीनिंग है नहीं है यानी कि हाल में मीनिंग होते हैं इज नॉट के मीनिंग में और इसकी जो गर्दान होती है चूंकि ये फेल है फेल की गर्दान होती है तो मगर चूं थोड़ा डिफेक्टिव है तो सिर्फ माजी की गर्दान होती है इसमें मुदारे वगैरह कुछ नहीं है सिर्फ ये वाली गर्दान है और आपको लईसा भी दिखेगा कुरान में लईसु सवा ये भी नजर आता है कुरान में लस्तुन्ना, ए अलैहि वसल्लम की बीवी हो तुम आम औरतों की तरह नहीं हो लस्तुन्ना तुन्ना भी नजर आता है लस्तु तो ये कुछ कुछ चीजें आपको उसमें नजर आती हैं में तो इसको हम देखेंगे क्या निगेट जुमला इस्मिया में किस तरह इफेक्ट करता है तो, तो जुमला इस्मिया में जो इसका समझे जो फेल है यानी कि जब हम लयिसा लगाते हैं उसके बाद जो इसम होगा वो रफा हालत में होगा उसको हम इसम लईसा कहेंगे यानी कि लईसा का इसम है और जो उसकी खबर मंसूब होगी वो फिर उसको खबरू लिस्सा कहते हैं यानी कि लईसा से उसको वो कर देंगे तो उसी तरह कह रहे हैं कि जब इसम आउटसाइड होगा मरफू होगा इसकी एग्जाम्पल मैं भी आपको देती हूँ और नॉर्मल तरीके से होगा यहाँ पे इससे देखते हैं वो आपको उससे समझ जाएगा, में आएगा इसमें देखें ये है लेसा की मीनिंग इज नॉट डिफेक्टिव वर्ब है मतलब इज नॉट उसको इसम और खबर चाहिए होती है अपनी कंप्लीट करने के लिए मीनिंग को ये बात समझ आ गई कि उसको एक यानी कुछ चाहिए ना बात कंप्लीट करने के लिए और ये जबकि फेल है मगर ये जुमला पे निगे के लिए इस्तेमाल हो रहा है इसको हम फेल या नहीं फेल नहीं कहेंगे इस वक्त यानी इसको यूज इस तरह होता है फिर ये निगेटिंग के लिए इट इज यूज इन अ सेंटेंस एज फॉलोस अब जैसे एक जुमला है अल किताब जदीद अल किताब मुबतदा जदीद उन ख़बर ठीक है अल किताब दोनों चीजें रफ़ा है हमने पढ़ा था नॉर्मल जुमला इसलिए हमें दोनों चीजें रफा होती हैं लेकिन जो मुफ्तदा होता है मारफा होता है नाइनटी नाइन परसेंट और जदीद उन जो ख़बर होती है वो ज्यादातर रफा ही होती है मगर कभी वो होती है चीजें जिनमें चेंज होता है तो ये नॉर्मल है जब हमने इसको कहना है किताब नई नहीं, नहीं है यानी न्यू नहीं है ये नॉट न्यू तो हमने जब लइसा एंटर करेंगे तो इसमें दो चेंजेस आती हैं। पहले हम इस वाली चेंज को देखेंगे क्योंकि हम इसको पढ़ रहे हैं मनसूब वाली को ना जो मेन इसकी चेंज आएगी लेसा जब एंटर किया तो ये तो अपनी रफा हालत में ही रहेगा और जो नसब जो ये खबर थी जदीद वाली इसको इसने नसब हालत में कर दिया ना जदीद उनको जदीदन कर दिया सही सिर्फ किस पे इफेक्ट किया ये, ये रह, ऐसे ही रहेगा रफा ही। लेकिन इसका इफेक्ट इस पे होता है खबर को नसब देता है खबर को नसब में कर देता है लिस्सल किताबो जदीदन तो इसको लेकिन फिर इसका नाम बदल देंगे क्योंकि लहीसा जब इफेक्ट करता है जैसा इन्ना है जब वो इफेक्ट करता है तो उसका नाम बदल हैं है, राइट इसी तरह लईसा भी क्योंकि इफेक्ट कर रहा है और उसको हालत बदल रहा है तो हम इसको मुबतदा खबर के बजाय इसको इसी का नाम दे देते हैं लहीिसा इसमो लेसा और खबर लहिसा सही इसके अलावा क्या होता है ये मजीद इंफोसिस के लिए एक्स्ट्रा बी ऐड किया जाता है ये आपको कुरान में ज़्यादातर तो ये इस हालत में बहुत दफा दिखेगा हम इसके एग्जांपल्स भी अभी थोड़ी सी देखेंगे बस कि बी ऐड करने से और इम्फेसिस होता है यानी आप इसमें बी क्या हुआ इसको बाजायदा कहते हैं माय गॉड हमारे यहाँ रोकती This meeting is being recorded. Okay. Okay. <clears throat> तो हम लोग देखे थे कि इसको एक तो खबर जो है वो मंसूब होती है और अगर ये नसब हालत में नहीं हो इसका सेकेंड वर्जन क्या होगा कि इसका दूसरा इफेक्ट के बाजायदा ऐड कर देते हैं इसको यहाँ पे खबर में बजाय ये आपको मंसूब शक्ल में नजर आने के जब बायदा ऐड किया तो उसमें ज़्यादातर जब बा होगा तो जार मजरूर वाली चीज होती है तो जार मजरूर तो हो गया मगर वो भी खबर ही कहलाएगी एक खास बात है बाजायदा की जो हम अभी दोबारा देखेंगे अभी एक और चीज पढ़ेंगे उसमें भी की जो बायदा होता है ना आप देखें वैसे तो हमने पढ़ा था ना एम बी के क्या होता है मुत्ल बिलखबर जो होता है वो क्या होता है या तो जार मजरूर या फिर अः होते हैं जरफ इजाफा ठीक अब वो होते हैं एम में जो हमने पढ़ी दो चीजें तो लेकिन जब तो ज्यादा लग जाता है ना तो ये इसको हम जार मजरूर तो कहेंगे क्योंकि बा अपना ये इफेक्ट तो करेगा उस पर इसको मजरूर कर देगा लेकिन इसको हम एम के नहीं कहेंगे हम इसको कहेंगे कि इसकी खबर है क्योंकि असल में तो ये खबर थी ये बा बाड हुआ असल में बा इम्फोसिस के लिए ऐड होता ज्यादा यानी ये एक डिग्री इसका लेसल हो जदीदन के नहीं है किताब नहीं न्यू नहीं है और इसमें थोड़ा सा और इम्फेसिस ऐड हो जाता है जब बा ज्यादा ऐड होता है तो यानी दोनों एक ही तरह की चीज है लेकिन इसमें थोड़ा इम्फेसिस ज्यादा है जैसे अरबी के डिफरेंट वो होता है ना तो इसमें जब बी एड हो गया बा ज्यादा तो ये जार मजरूर तो कहलाएगा तभी इसने इसको मजरूर कर दिया लेकिन एमबी के का लेबल हम नहीं लगाएंगे ये खबर ही है समझे इसको असल में ऐसा होना था ये बी सिर्फ इस बायदा से इम्फेसिस की वजह से लगाया तो जार मत जरूर तो बना लेकिन ये खबरू खबरूल ये एम बी के नहीं होता और ये हम इन आज और देखेंगे आपको और समझ आएगा तो ये इसलिए बाखें आप इसमें बाजायदा की एक और बात होती है कि इसके अलग से ट्रांसलेशन नहीं करते बाकी ट्रांसलेशन क्या की जाती है विद होता है ना वे दो रहीम अल्लाह के नाम के साथ बी की ट्रांसलेशन मगर जब आप इसकी ट्रांसलेशन करते हैं आप कहते हैं किताब नई नई यानी न्यू नहीं है लेकिन आप ये नहीं कहेंगे किताब के साथ इसके ट्रांसलेशन नहीं की जाती है लगता है तो ये बात ज्यादा होता है ये कुरान में हमें बहुत जगह नजर आता है और तो ये बात दो इसके हमने देखे कि ऐसे इसमें चेंज आता है एग्जाम्पल्स फ्रॉम कुरान थोड़ी सी एग्जाम्पल है और भी बहुत होती हैं अब अलहीसा सुबह बेकब तो इसमें आपको लईसा दिख रहा है और ये लईसा का इसम जो है कौन सा होगा इसमो लेसा असुबु ठीक के नहीं है सुबह और क्या नहीं है इसका जो खबर खबरसा कौन सी होगी बे करीब ये है खबर लहीिसा मगर बाजायदा की वजह से मजरूर है मगर इसको हम खबर का ही लेबल करेंगे सही चाहे वो अः बाजायदा है इसको मगर एम बी के नहीं कहेंगे ज़ार मजरूर है मगर इसको हमें समझ आने शुरू हो जाती है आवा, आवा, आवा बी बी सुदूर आलमीन ये अनकबूत क्या जाता है तो वल्ला तो ये हो गया इसका इस्मूल लहीिसा लफ्जल जला और बी इधर जो लगा है इसकी मीनिंग आप देखें बी की अलग से मीनिंग नहीं करते बल्कि कहते हैं कि क्या नहीं है अल्लाह सबसे ज्यादा जानने वाला सिर्फ आलम की ट्रांसलेशन की जाती है साथ की नहीं की जाती इसलिए बात ज्यादा है ये सिर्फ इसके इम्फेसिस के लिए अः यानी कि इसकी डिग्री के लिए यूज हो जाता है तो ये खबर लहीसा हो गई ठीक ये खबर ये इसमा इसी तरह ये भी आपको पता है ये भी मुबतदा जालिका इसमें शारा है ना तो ये अलिसा जालिका क्या नहीं है ये ये इसका मुबतदा यानी मुबतदा नहीं कहेंगे इसमें लैसा का इसम कहेंगे इसको और लईसा की खबर कहेंगे बी की वजह से मजरूर है और ये लस्तुन्ना का आदमसा इसमें क्या है इसमें इनसाइड ही इसके अंदर वो है जो इसका इसम है वो इनसाइड है तुन्ना जो है ये हुन्ना होता है ना फैमिन, प्लूरल तो हुन्ना जो है इसका इन साइड इसम जैसे हम उसमें पढ़ते थे ना शुरू में भी के अंदर भी होता है ये एक जो फाइल तो इसमें नहीं है नहीं हो तुम औरतें और कैसी नहीं हो कामसाई तो औरतों और की तरह तो ये पूरी खबर के ही उसमें आएगा ये पूरा खबर ही बनेगी और किस तरह यानी कि उसको फिर फी महल महली वो कहा जाएगा ना फी महली नसब ये सब फी महली है बी है लेकिन उसको नसब कहा जाएगा लस्ता लसता नहीं हो तुम तो ये लस्ता में अंता छुपा हुआ है तो अंता जो है वो हो गया आ, इसका आ, जो इसका इसम और खबर क्या है कि तुम क्या नहीं हो दारोगा नहीं हो ये बी के साथ आगे खबर खबरू लैसा सही ये बी ये पहला वाला जो है ना बी आलिमा तो ये जर होना चाहिए था ना बी के साथ असल में ये वो है आलमु जैसे होता है तो आलमा बी आलमा वाले सल्ला हो बी आलमा नहीं आलमी आपको याद है वो चीज़ें हमने क्या बताएं जल्दी से बताएं I think आलम आलमो आलेमा। आलम हाँ, पार्टली फ्लेक्सिबल पढ़ा था ना हुँ, हुँ, पार्टली हुँ, फ्लेक्सिबल जब पढ़ा था उसमें हमने जो डिफरेंट चीजें पढ़ी थी जैसे जाए ये वाला वज़न भी उसमें था। नीम लचकदार है तो ये आलमो के वजन पे है तो इसीलिए इसको वो नहीं किया गया ये बी है ये मजरूर हालत ही कहलाएगी लेकिन है ठीक है अच्छा तो अब निगेशन इन जुमला इसमिया में, में हमने सबसे पहले वाली चीज पढ़ ली लईसा लैसा जो है उसका इसम जो है जो मुब्त होता है वो उसका इसम होता है उसको खबरु लैसा कहते हैं और खबर जो है वो मंसूब होती है या फिर बाजायदा इसमें होता है वो भी आप पहचान जाते हैं सही अब लईसा की ही तरह अब हम आगे चलेंगे माँ की तरह अच्छा लईसा में जब हम देखेंगे ना ये वाली जो अब, अब एक स्लाइड है इसमें लईसा की खास बात क्या है लईसा इसमो लैसा पढ़ लिया हमने खबर लईसा बाजायद ने पढ़ लिया और आ, इसकी एग्जाम्पल लस्तु लस्तू भी वकील तुम नहीं हो उन पर वकील तो आपको पता चलेगा लस्तु में आना जो है इसकी कौन है आना जो है इस्मो लईसा है जैसे इन्ना में हम पढ़ते थे ना इसम इसमो इन्ना होता था तो इसमें इसमो लईसा कौन होगा मैं अना ना की जमीर है ना लस्तु। मैं नहीं हूं और बी वाली चीज क्या होगी इसकी खबर होगी लईसा की खबर भी वकील तो ये लईसा के लिए है। अब हम देखते हैं माँ की तरफ चलते हैं अच्छा एक चीज और है इसमें देखें अब एक लाता रह गया था एक लाता है लाता जो है ये भी इसी तरह काम करता है इसमें भी इसमें लाता खबरू लाता नसब हालत में होगी मगर खास बात यह कुरान में सिर्फ एक ही दफा है तो हमें इस पे इतना टाइम नहीं इसीलिए इसको पहले एग्जाम्पल में रख दिया कि ये लाता बनता कैसे लाता एक ही दफा कुरान में आया ये भी निगेशन के लिए है और ला की तरह लाता भी हरफे नफी है लाता मसौ मनास ये सुरह सौत की आयत नंबर तीन है बस लाता एक दफा आया कुरान में एक तो लात मनात बुतों का नाम था ना वो नहीं ये तो लाता जो है हर्फ है ला की तरह और ये की तरह ही करता है कि इसकी खबर मंसूब होती है लाख का इसम मगर इसमें इतना समझ इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है बस ये है कि अफाल नाकिसा की तरह ही ये इफेक्ट कर रहा है खबर को मंसूब करता है ठीक है कुरान में है नहीं तो हम इसको आगे बढ़ते हैं अब हम चलते हैं माँ की तरफ माँ नाफिया की आपको याद है हमने लास्ट टाइम फेल में पढ़ा था कि मादी और मुदारे दोनों में पढ़ा था और दोनों में हमने पढ़ा था कि ये जब ऐड होता है तो जरा रिफ्यूटेशन आती है जरा इनकार जोरदार तरीके से काम करता है सही अब मा नाफिया की भी टाइप्स हैं मा नाफिया की है गैर आमिला जो जुमला फेलिया में यूज होता है और दो और थ्री ये रहे सही है अब इसको हम देखेंगे आमिला एक ही है इसमें आमिला और गैर आमिला आपको याद है क्या होता था क्या होता है आमिला वो होते हैं जो अपने बाद आ, क्योंकि हर्फ जो आमिला होते हैं वो अपने बाद आने वाले फेल या इसम को असर अंदाज होता मज, कोई मजूम कर रहा था कोई उसको मुदारे को मंसूब कर रहा था और माँ ने कुछ भी नहीं किया था माँ सुकून से था जिस फेल से पहले पढ़ा रहा उसने उसमें कुछ चेंजेस नहीं लाया सिर्फ उसके मीनिंग्स में रेफिटेशन आ गई थी राइट तो वैर मिला था जो हमने नाफ, फेलिया में पढ़ा था और अब हम माँ आमिला एक पढ़ेंगे ये माँ जो है जब ये जुमला इसमिया में एंटर होगा तो फिर वो अमल करेगा फिर वो थोड़ी सी चेंजेस आएगा तो उसको हम देखेंगे फिर एक माँ माह मिला भी आता है यानी कि जुमला इस्मिया में दो तरह की चीज पढ़ेंगे हम जुमला फेलिया में हमने ये पढ़ा था अब जुमला इसमिया में हम दो तरह के माँ पढ़ेंगे जो दो ये सब नाफ़िया मगर जो फेलिया से पहले आएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं करता वो हम कर चुके थे मीनिंग्स में जोरदार रेफिटेशन होती है और जो नाफिया अभी हम पढ़ेंगे यानी कि जुमला इसमिया में दो तरह के होते हैं एक माँ आ मिला जो चेंजेस लाता है और एक माँ माह मिला जो चेंजेस नहीं लाता यानी जुमला इस्मिया में ही होता है मगर चेंजेस नहीं लाता तो बिल्कुल परेशान में होगा बहुत आसान मजा आएगा आपको देख के इसको तो ये माँ जो है दोनों को निगेट करता है पार्टिकल ऑफ रेफिटेशन है जुमला फेलिया में कोई चेंज नहीं लाता एराब में तभी गैर आ मिला है और जुमला इस्मिया में ये लईसा की तरह काम करता है इन जुमला इसमिया माल हिजाजिया कहते हैं इसको ये लईसा की तरह करता है और इसको हम देखेंगे अभी डिटेल से तो हमने ये देखा था माद नाफिया गैर मिला जुमला फेलिया में आपको याद है हमने कहा था कि ये इस तरह मुदारे से पहले भी आता है और फमार अभी हतार तो मा, से भी पहले आता है तो ये इसमें मगर इसने कुछ चेंज नहीं किया था कोई मुदार मतजूम नहीं किया था कुछ भी नहीं किया था तो ये तो हमने पढ़ लिया था सिर्फ मीनिंग में सख्ती लाया था अब हम पढ़ेंगे माँ नाफिया आमिला अमलसा नाम से बड़ा खतरनाक लग रहा है मगर है इसका नाम वैसे माल हिजाजिया भी कहते हैं इसको क्यों इतने सारे नाम दिए ताकि आइडिया रहे कौन से माँ की बात हो रही है माँ नाफिया तो भाई अगर फेल पे अमल करेगा तो कुछ उसको खाली मीनिंग में लाएगा इसके मगर ये आमिला की खास बात है अमलू लहीिसा है लेसा हमने क्या पढ़ा अभी खबर अभी आपने देखा कि मुफ्त तो मरफू होता ही है ना लेकिन खबर को यह भी मंसूब करेगा लैसा की तरह और जैसे उसमें आ, हम आ, जो रूल क्या है कि खबर कैन नॉट बी बिफोर मुफ्त और इल्ला बीच में नहीं आए अगर इल्ला बीच में अगर आपको नजर आ गया तो फिर वो ये आमिला का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है नहीं। माना, इनकी दो शरातें माँ नाफिया हिजाजिया जो है इफेक्ट करता है मगर उसने कहा कि अगर बीच में इला आ गया तो फिर मैं मतलब आई एम आउट जैसे मुझे नहीं फिर इफेक्ट नहीं फिर काम करेगा इसका असर जायल हो जाएगा समझे इसका अमल हिस्सा वाला तो ये दो रूल्स हैं बस तो अब इसकी एग्जाम्पल में मा हाजा बशरा मा हाजा ये तो इसका मुबतदा हो गया इसमें शारा मुबतदा हो गया तो मा हाजा इस रफा है रफा हालत में ही होता है ज्यादा मुबतदा होती रफा हालत में इसमें इशारा है बशरा तो इसमें बशरा क्यों हुआ क्योंकि इसकी खबर है नहीं है ये बशर यानी कि खबर तो इसको इतना मंसूब कर दिया तो ये माँ आफिया इस तरह भी काम करता है इसमिया की दुनिया में हिजाजिया जो होता है डिफरेंस देख लेते हैं माँ और लिशा में क्या डिफरेंस है इनके सिमिलरली करता है मगर कुछ मस्त वो है एक तो पहली बात यही है कि माँ इसम है और ये वाला तो हर्फ है क्योंकि ये माँ हिजाजिया हर्फ है और लईसा जो है ये इरेगुलर फेल है तो ये इसम नहीं है हर्फ है माँ ये वाला लेकिन लईसा जो है फेल होता है यानी कि रेगुलर फेल जो पड़ा है और मा नाफिया दोनों मतलब नेगे, दोनों के लिए यूज होता है जबकि लहसा सिर्फ निगेशन के लिए यूज होता है इसके मीनिंग होते हैं इज नॉट तो इसमें बहुत वो नहीं होता सख्ती बहुत ज्यादा नहीं होती और माँ के अंदर इन साइड नहीं क्योंकि वो हर्फ है ना तो उसमें इस तरह नहीं होता मगर लहीसा जो है जब फेल है तो फेल के अंदर तो वो भी होता है कि इन साइड प्रोनाउन भी होता है और आउटसाइड भी मिल सकता है जैसे हमने अलैसा सुबू पढ़ा था राइट तो ऐसे कुछ चेंजेस हैं बिल्कुल ऑबियस से चेंजेस हैं तो अफाल नाकिसा जैसे खबर को मंसूब करते हैं और ऐसी सूरत में हम कहते थे खबर इनका ही मफ, वो कहते थे इनकी जो खबर है वही अफाल नाकिसा का उसी से नाम ले देते दे थे, थे ना कि लैसा की खबर लैसा का इसम इसी तरह मा नाफिया और ला नाफिया भी जब लैसा के मीनिंग में यूज होते हैं तो वो भी खबर को मनसूख कर देंगे जैसे मा जईद इमन जैसे मा हाजा बशरन था इस तरह मा जईदा इमन वाहुला तो जब ये भी जो इसकी खबर है उसको मंसूब में कर देगा इस तरह तो माँ की खबर मंसूब है तो ये वाली जो मिसाल है ये कुरान में इस तरह नजर आता है ये मगर ये कम इस्तेमाल होता है जैसा भी हम आगे आसा डिग्री बढ़ाते रहेंगे इसकी तो ये जैसे मंसूब खबर वाला है ना माँ की मंसूब खबर जैसे एक माँ हाजा बशरा की एग्जाम्पल है और दूसरी एग्जाम्पल माँ हन्ना उम मातिम वो औरतें उनकी माए नहीं है तो यहाँ पे माँ और हुना तो इसका मुबतदा था क्योंकि ये जमीर जो है मुक्तदा होती है और फिर उमा हाथ की हिम नसब हालत में है क्यों ये उमा हाथू भी हो सकता था ना उमतु रफा हालत होती है जो कि आमतौर पर खबर रफा हालत में होती है मगर ये नसब हालत में उम्मा हाथी क्योंकि ये मंसूब हो गया इसकी वजह से माँ की वजह से मंसूब खबर बन गई कुरान में ये नजर आता है मगर ये वाला उसलूब कम नजर आता है इसलिए आपको एग्जाम्पल में यही दो घुमा घुमा के एक माह हजार बशरा बार बार बताइए तो इस वाले ये जो, जो स्लाइड है इसमें आपके लिए दोबारा से वही सारे जो हम कहते ना, हैं ना माँ बहुत सरा हैं इतना परेशान ना हो इस मियाँ तो हम देख ही नहीं रहे मगर इस्तफामिया जो होता है शर्तिया इस मियाँ में होता है मगर अभी हम हरफिया की बात कर रहे हैं हमने पहले पढ़ा था माँ नाफिया ला अमल अह यानी वही जो गैर अम अः हमने पढ़ा था ना जुमला फेलिया में अमल करता ही नहीं है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता सिर्फ मीनिंग में लाता है इसको माँ हिजाजिया कर देते हैं और जो लईसा से मिलता जुलता है इसका नाम इन्होंने हिजाजिया रख दिया और फिर एक माँ नाफिया महमिला भी होगा वो इल्ला वाला है ये भी हम आज देख लेंगे और आपको नाम इतने नामों पर ना जाए नाम से मुश्किल लग रहा है है नहीं इतना ये माँ इल्ला वाला है जिसमें नाफिया महमिला कहते उसको क्योंकि उसका कैंसिल हो जाएगा ना इफेक्ट आपको कहा था ना इला आ जाएगा तो फिर ये हिजाजिया अपना इफेक्ट नहीं करता तो वो है कि इसमें इसी का देखें दूसरा नाम ये मैंने तस्वीर आपको डराने के लिए रखी सिर्फ मुशब्बा इसी को हिजाजिया को ये नाम भी दिया जाता है मुशब्बा बिलेसा हिजाजिया का दूसरा नाम क्योंकि वो लेसा से शबाहत रखता है ये ये वाला हिजाजिया, तो इसको मुशब्बा बिलिसा भी, भी कहते हैं अच्छा ये जो हिजाजिया है इसके बारे में एक और चीज देख लेते हैं कि जैसे हमने देखा था ना कि लईसा में ये भी हिजाजिया लईसा में हमने देखा था कि एक डिग्री होता है जिसमें मंसूब है खबर और एक में बा ऐड कर देते हैं जो उस के अंदर आ, इंफिसिस भी बढ़ जाता है उससे और उससे खबर जो है इस हालत में हो जाती है होती वो खबर है हम उसको खबर ही कहेंगे खबरू लिस्सा कह रहे थे मगर बी जो है ये सिर्फ उसको इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए इम्फिस करने के लिए ऐड हो जाता है तो इसको हम हर म, जार मजरूर नहीं कहेंगे बल्कि इसकी खबर कहेंगे और आपको कैसे पता चलेगा कि यानी कि जार मजरूर तो है सॉरी एम बी के नहीं कहेंगे एम बी के नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे ये इसकी खबर है वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून ये हाउ कैन बी नेगेशन एम्फसाइज़ एम्फसिस के लिए या बलफ और बा ऐड कर देते हैं और ये आपको कुरान में बहुत दफा आपने देखा है जब हम थोड़ी सी एग्जांपल भी देखेंगे कि ये नजर आता है कि इसके बाद बी आ जाता है ना वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह गाफिल उससे जो तुम अमल करते हो मगर इसमें ये इसकी खबर है और ये इसका इसमें हम इसमूल इतना अलग से नहीं कहते हैं जिससे मगर हमें पता है कि ये माँ इस पे फेक्कर है माँ हिजाजिया इसको मन, इसी को मनसूब ये खबर जो है बी दिख रहा है और ख़बर है मगर अब महिलन जो है मनसूब है अच्छा जायदा भी एड हो सकता है मुबतद में तो ये दो तरीके होते हैं जैसे एक आज की ये भी एग्जाम्पल है जैसे अब ये वाली हमने देखी थी ना स्लाइट इसमें माँ जईदा वम ग और कुरान में नजर आता है वह मल्ला तो सिर्फ एक उसके लिए ऐड हो जाता है बी के वजह से समझे एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता है वो और मतलब होता लेकिन उसकी खबर अच्छा माँ की मजरूर खबरें वही जो हम कह रहे हैं ना कि यहाँ तो मिन ज्यादा एड हो जाता है या मिन जायदा या बाजायदा जायदा क्यों कह रहे हैं इसको क्योंकि ये एक्स्ट्रा हर्फ है इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए इसके अलग से हम मीनिंग मिन की एग्जाम्पल ट्रांसलेशन क्या होती है फ्रॉम से जैसे उर्दू में कहते हैं इससे लेकिन इस वाले है कि हम ये सिर्फ इसका ताल्लुक इससे होता है कि इसकी अलग से ट्रांसलेशन नहीं करते बस ये इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए जैसे माँ हुआ मिनल किताब नहीं है वो किताब में से यानी कि इसको थोड़ा सा एडिशन करने के लिए होता है तो यह मा माँ की खबर हरफे जर मिन की वजह से मजरूर है तो है खबर जैसे बा ऐसे मिन जाए इस तरह माँ साहिब कुम बी मजनून तो इसमें साहेब जो है इसका मुबतदा हो गया और खबर जो है बाजायदा है इसमें इसलिए मजरूर है लेकिन है वो खबर मा अनाबी अना जो है इसम हो गया यानी मुब्तदा हो गया और ये खबर हो गई माकुम बिन जवाल व माह तो इन सब में आप देखें यहाँ मा मिन ऐड हुआ हुआ यहाँ आगे बी नजर आता है तो ये भी नज़र आ जाए कि जब कुरान में आपको पता है माँ के बाद इल्ला नज़र आ रहा हो जो स्पेशली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के लिए जो याद करते हैं उनको पता है कि माँ के बाद जब इल्ला नजर आ रहा हो तो माँ की ट्रांसलेशन नहीं होती है इसी तरह माँ के बाद जब बी नजर आ रहा हो इस तरह करके तो वो भी इसकी ट्रांसलेशन नहीं क्योंकि हरफ नफ़ी होता है जब इस तरह बी नज़र आता है व माँ हम अनहा बेबिन तो इसकी मीनिंग में भी नहीं के मीनिंग आते क्योंकि हरफ निगेशन होता है अच्छा बाजायदा जो हमने लईसा में भी पढ़ा और जो हमने मान नाफे में भी पढ़ा ये एक्स्ट्रा लेटर है नाम से जायद है इसमें और ये खबर ऑफ मान में ऐड हुआ और लईसा की खबर में ऐड हुआ ठीक जो अभी तक दोनों चीजें पढ़ी है लईसा लईसा ये क्योंकि निगेटिंग है उसी को पढ़ रहे हम और मान में ऐड हुआ और ये खबर को मुतालिक बिल खबर नहीं करेगा जबकि ये जार मजरूर कर रहा है लेकिन खबर ही रहने देगा उसका स्टेटस को नहीं इफेक्ट करता तो हम इसको ये सब देख चुके हैं कि जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो हम कहेंगे ये ज्यादा है और खबर जो है फी महल मह, महली ख़बर है खबर है खबर ही जार में दिख रहा है मगर है फी कि उसको मंसूब होना था मगर बी की वजह से और ये बाजायदा एड्स मोर इम्फिस टू द मतलब मीनिंग मीनिंग में इम्फेसिस लाती है बाजायदा सही तो माँ मुब्त मार्फू खबर मंसूब ये कुरान में तरीका नजर आता है कम नजर आता है बहुत कम तभी एग्जाम्पल आपको यही दिख रही है बार, बार। मा मुफदा मरफू प्लस बी या मिन लगा हुआ है तो ये खबर मजूर है ये आपको उससे ज्यादा नजर आता है काफी नजर आता है अच्छा माँ और लहिसा में देख लेते हैं कि हम इनमें क्या फर्क है बड़ा ये एक चीज ए, एक तरीके से तो आपको देखें एक जैसी चीज लग रही है ना अगर हम कहें कि हुआ मोमिन याजुल अर्रज, रजुलु मुस्लिम इसको यो होना चाहिए था ना जो अगर नॉर्मल जुमला होता तो होता मुस्लिमुन यानी कि इसको अगर नॉर्मल सेंटेंस होता सॉरी तो अर्रजुलु मुस्लिम मगर जब माँ लगा तो पहली इसकी जो पहली लेवल होता है माँ का क्या होता है कि ये तो मुब्तदा तो आपको पता है रजुलु ये ऐसी मरफू रहेगा सब में लैसा में भी और माँ क्योंकि दोनों एक ही तरह अफेक्ट कर रहे हैं ना लेकिन मुस्... जो मुस्लिमों ने वो मुस्लिमन हो गया खबर मंसूब हो गई उसमें एक ऐड करने के लिए मर बिमुस्लिमिन बी बी किया तो थोड़ा एम्फसिस ऐड हो गया इसी तरह लैसा भी सेम इसी तरह अफेक्ट कर रहा है लैसर रजुल मुस्लिमन मंसूब खबर और लैसर रजुलु बिमुस्लिमिन तो ये भी खबर है लेक, फी माहली नशा भी है लेकिन बी की वजह से की वजह से किया हुआ है ठीक है हमने देख लिया अब इनमें फर्क क्या है ये वाली तस्वीर अगर बड़ी अच्छी सी बनी हुई है इसमें देखें के एक सेंटेंस है हुआ तालिबन वो एक स्टूडेंट है शुरू यहाँ से हो रहा ऊपर जा रहा है नहीं कि जिस तरह इंटेंसिटी बढ़ रही होती है ना फोर डिग्रीज ऑफ निगेशन लईस तालिबन वो स्टूडेंट नहीं है सिंपल आपने लईसा लगाया उसके साथ और इसको मनसूब कर दिया खबर को तो ये सबसे कम डिग्री का है फिर उससे बी एड जब किया लेसा पे तो प्लस वन डिग्री यानी उससे के डेफिनेटली वो स्टूडेंट नहीं है एक हो गया ना अब अगला जो हम कह रहे हैं ना माँ जो है माँ भी इफेक्ट करता है माँ नाफिया तो माँ तो वैसे ही स्ट्रोंगर है आप याद करें उस तस्वीर से माँ उसमें भी स्ट्रोंगर था जब जमला फेलिया में भी तो जब इसमें भी नाफिया आया उसने और एड कर दिया डिग्री कि ही इज मोस्ट डेफिनेटली नॉट अ स्टूडेंट यानी मीनिंग में इस तरह चेंजेस आ रहे हैं वो आपको दिख रहा है ये इसकी पहले इस लेसक की तरह इफेक्ट कर रहा है यहाँ पे इसलिए मंसूब कर दिया उसने और उसके बाद माँ हुआ भी तौलिबिन ये एक और एक्स्ट्रा एड एक हो गया तो समझे ही इज लाइक टोटली सो मच नॉट अ स्टूडेंट यानी कि ट्रिपल इम्फेसिस हो गया समझ आ रही है कि डिग्रीज बढ़ रही हैं सिर्फ ये तस्वीर बहुत प्यारी है कि एक दो तीन चार तो बी से लेसा से जब बी एड हुआ एक इम्फेसिस बढ़ गया फिर उससे भी ऊपर माँ है माँ में जब ये वाला हुआ एक है और जब बी हुआ तो दो है हमने एग्जाम्पल देखी माँ हुआ हमने कहा कुरान में ये वाला चीज कम हुआ है जिस तरह माँ हाजा बशरन ये वाला कम इस्तेमाल हुआ है लेकिन ये वाली एग्जाम्पल जिसमें माँ और बी है ये नजर आती है जैसा कि एग्जाम्पल में अब आप देखते रहेंगे तो आपको आइडिया रहेगा माँ अना इसमें माँ है इसमें ये इसका मुबता हो गया फैलाने वाला तो ये इसका एक्स्ट्रा इसके हम साथ की ट्रांसलेसन नहीं करते बल्कि इसको ये इसमें वो कर तो तुम्हारी तरफ हाथ नहीं फैलाऊंगा इन्होंने यानी इसमें डबल इंफोसिस होता है कि बिल्कुल भी नहीं करूंगा बिल्कुल तो नहीं यानी कि थोड़ा सा इम्फोसिस बढ़ा फिर इसी तरह यहाँ तक तो देखे वामा तो इसमें यानी वमाहुम जीना नहीं है वो निकलने वाले आग से तो ये अल्लाह ताला ने जो इसमें बी ऐड कर दिया ये है इसकी माँ इसकी खबर ही है ये बी जार मजरूर तो है मगर इसकी खबर है मुबतदा ये रहा खबर ये रही और इस जार मजरूर की वजह से मजरूर हालत में मगर इसमें बी की वजह से इम्फेसिस ऐड हो गया कि अल्लाह ताला ने कहा नहीं वो इतने आराम से निकलने वाले नहीं उधर से आग से तो ये भी है इसी तरह ये वाली आयत सरब बकरा की जब मुनाफिक की बात थी तो अल्लाह ताला ने क्या कमेंट दिया था हुम वाह वमा हुम मुक्त हो गया अब मु, भी मुमिनीन ईमान लाने वाले देखा इसके अलग से ट्रांसलेशन नहीं होती सिर्फ इम्फिस के लिए होता है माँता बे नब्बी का बेमजनून नहीं है आप बे अच्छा, वाला बी जो है ये वाला बी जो है अगर आप इसको वैसे ट्रांसलेशन के लिहाज से देखें इसकी ट्रांसलेशन हो रही है बी नेमत के साथ अपने रब की तो ये जो है ये एम बी के कह सकते हैं इसको क्यों कह सकते हैं क्योंकि एम बी के जार मजरूर वगैरह होता है ना मगर ये खबर नहीं है क्योंकि इसमें खबर क्या है असल माँ अंता बी मजनून नबी नबीसम सल को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप नहीं आप बी मजनून तो ये जायदा देखें इसकी ट्रांसलेशन अलग से नहीं हुई ना ये बाजायदा ये इसकी खबर है कि आप मजनून नहीं है ये एम बी के इसी के बारे में बिल खबर और चूंकि ये वो है इदाफे का फ्रेगमेंट है तो इसको एक ही बकेट में लेंगे ना अपने रब की नियमत के साथ तभी बी की ट्रांसेशन है ये एम बी के है सही तो समझ आ रहा होगा कि ये माँ है ये मुबतदा है ये इसकी खबर है बेमजनून मा हुआ माँ हुआ बिलहजल ये भी कुरान के बारे में अल्लाह तला कहते तो स्ट्रिक्ट बताया जाता कि हंसी मजाक की बात नहीं है और फिर ये आयतें हैं इसमें से सकवीर की आयतें इसमें आप देखें वमा साहेब कुम बी मजनून वमा हुआ अल गई बी बेदनी तो इसमें ये जो है एम बी के हो गया अलल गईबी है ना क्योंकि जार मजरूर है और ये मुबतदा हुआ और ख़बर बिदनीन वमा हुआ बे कौली शैतान रजीम और नहीं है वो यानी कुरान बी कौली शैतान रजीम शैतान रजीम का कॉल तो ये पूरा एक बकट में आएगा क्योंकि मुदाफ इदाफ़ा इ्रेगमेंट पूरा बन गया और ये पूरी खबर होगी ना वह हुआ बेकौली शैतान रजीम ये नहीं है वो कॉल शैतान रजीम का सही तो हमने ये तीनों की एग्जाम्पल इधर देख ली तो अब जो हम देख रहे हैं कि माँ की नाफिया है इसमें माँ हिजाजिया जो है वो बेमायनी लहीिसा होता है जो इफ, ए, अमल करता है और मां नाफिया जो बी के साथ जब आता है थोड़ा सा उसमें आ आ जाता जाता है है के साथ भी आ जाता है, मिन मा, बी का कॉम्बिनेशन भी आता है अब हम इल्ला की तरफ जाएंगे इल्ला के कॉम्बिनेशन जो आता है इस तरह भी आता है सही तो जुमला इसमिया में जब खबर मनसूबा शुरू में हरफे माँ तो वो माँ नफी होगा ये कम मिसाल है कुरान में है। मगर जो बी वाला है जिसके बाद हरफे जर बी आए तो वो भी माँ नफी होता है और हरगिज़ नहीं के मायने देगा हमने कहा ना मोर एनफिस हो जाता है जैसे इन अम्मा तमल तो थोड़ा सा उसमें इंटेंसिटी बढ़ जाती है जब बी आता है और माँ नाफिया होता है और माँ के बाद उसी आयत में जब इल्ला आ जाए तो वो माँ नफी कहलाता है अब ये हमें ट्रांसलेशन याद करने के लिए तो पता है इसको हम कहते हैं शकील उर्दू अरबी में या आप कह लें ग्रामर में माँ माह मिला माँ माह मिला क्या है कि उसके एक्शन लॉस्ट यानी कि वो उस में में जुमला हो रहा है मगर इल्ला लगने की वजह से उसका वो सारी बातें जो थी ना कि ये खबर बन जाएगी ये उसकी वो वो सब चीजें निकल जाएंगी वो इतना हिजाजिया की तरह लईसा की तरह इफेक्ट नहीं करेगा आप ये नॉर्मल मीनिंग इसके नहीं के होंगे लेकिन ऐसा कुछ और चेंज नहीं करेगा ये रीज या तो मुफ्त डिले हो जाए मगर वा वा तो वा इला वाली तो पता ही है ना हमें जहां पर अल्लाह आ जाए खबर से पहले तो वो माँ महमिला मा है उसका नाम माँ महमिला मा है मगर आप माँ इला से याद रख लें कि माँ अला जो है तो जुमला इसमिया में दो तरह इफेक्टर है ना माँ का एक तरह आमिला है जो कि हिजाजिया है लहीसा की तरह इफेक्ट कर रहा है और जिसमें हमने अभी देखा पहले मगर जो माँ माह मिला माँ अह याद रख लें आप ये अला से ही जो ज्यादातर एग्जाम्पल हैं और मेन हिसाब की भी कुछ है जैसे माँ अली का मेन हिसाब हिमश इन इस तरह भी नजर आता है लेकिन ज्यादातर आपको अला वाली एग्जाम्पल दिखेगी माँ प्लस अला वाली अच्छा इल्ला जो होता है ये ये हसर के लिए आता है ना जिस तरह इल्ला के मीनिंग एक तो देखे एग्जाम्प एग्जाम्प्ट करने के लिए आता है कहते हैं ना कि ये ये जाएगा अला कलीला जैसा सब जाएंगे मगर कुछ ही है जो नहीं जाएंगे ऐसे तो वो एग्जाम्प्ट करने के लिए आता है मगर कभी इल्ला जो है बमानी हसर यूज होता है ओनली के मीनिंग में ओनली सिर्फ के मीनिंग में इल्ला बमानी हसर इल्ला अक्सर हसर के लिए भी इस्तेमाल होता है और मगर के माय देता है कलाम में जोर देने के लिए होता है मगर सिर्फ मगर सिर्फ के मीनिंग में जैसे ला इला नहीं कोई इला, इला मगर सिर्फ अल्लाह ताला तो मगर सिर्फ के मीनिंग देता है इल्ला और ये इल्ला किस किस के साथ यूज होता है ये ला जैसे हम पढ़ते हैं तो अला के साथ भी यूज होता है तो हसर के मायने देता है इसी तरह माँ के अभी हम जो देख रहे हैं माँ प्लस मुफ्त उसमें फिर अला आता है ये भी हसर के लिए होता है इस तरह इन के साथ भी इल्ला आता है तो हसर के मीनिंग देता है जैसा इन हुआ जिक्र तो हम चूंकि अब हरूफ नाफिया में लाता तो एक एग्जाम्पल है उसकी तो नहीं अल्लाह तीन जगह देखते हैं ला के साथ भी कभी ऐड होता है अक्सर देखते हैं हम माँ के साथ जब ऐड हो रहा है जो हम माँ मह कह रहे हैं जिसका नाम ले रहे हैं तो वो भी ऐड होगा इस तरह और इन प्लस इल्ला ये भी हसर में सिर्फ मगर सिर्फ की मीनिंग देता है ठीक अब इसकी एग्जाम्पल जैसे कुरान में हम देखते हैं वह माँ हुआ अला जिक्रमी हमने इसकी जो माँ के देखे ना कि इसके पहला था जिसमें खबर नस्तब थी दूसरा था जिसमें बा जायदा था जिसमें हमने देखा वो मल्लाफली नम तम बी वाली एग्जाम्पल देखी वो भी काफी नजर आता है मगर सबसे ज्यादा जो है माँ इस तरह नजर आता है यानी सबसे अभी जो हम माँ के इसमिया में पढ़ रहे हैं ना जुमला इस्मिया में जुमला इसमें सबसे ज्यादा आपको माँ और अला वाली ये वाली चीज नजर आती है यानी कुरान में ये सबसे ज्यादा यानी उन माँ के उसमें ये वाले काफी यूज हुआ है अक्सर नजर आएगा व माँ हुआ इल्ला आलमीन। ये और ज्यादा इंटेंस है बी वाले से भी ज्यादा इंटेंस इस तरह होता है इसमें और इम्फेटिक हो जाता है चीज़ जिसमें बी से भी ज्यादा जब वाँ के बाद बी इसी तरह इसमें देखें व माँ हुआ बिबाल वामा हुआ बिबा इसमें पहले वाला माँ है जिसमें पहली इम्फेसिस माँ के बाद बी वाला है ये कौन सा माँ है ये माँ हिजाजिया है उसमें बी बायदा एड होता है और इसमें भी इम्फिस होता है ज्यादा ठीक ये इसकी खबर है ये मुबतदा और ये खबर है लेकिन वमा दुआउलकाफरीना अल्लाफी दलाल अब जब ये इसमें आया वामा दुआ उलकाफीना फी दलाल तो ये हिजाज यह हिजाजिया नहीं।, नहीं रहा क्योंकि इसमें माँ के बाद अला आ गया इला गया तो ये हिजाजिया नहीं रहा कैटेगरी आ गई इसकी इसमें देखे बी वगैरह नहीं नजर आ रहा एक नॉर्मल सी बात है कि इसका इफेक्ट बस समझे कैंसिल हो जाता है उस, कहेंगे हम नहीं दुआ काफरों की मगर सिर्फ गुमराहि में इस तरह ट्रांसलेट होता है एक समझे एक और स्टेप बढ़ गया उसमें इंटेंसिटी में ये आप देखें ऐसी आयतें कितनी सारी हैं कुरान में जो है ना माँ हाजा बशरन तो एक आध दफा ही है लेकिन इनन तुम इल्ला बशरना इन है और इल्ला आ रहा है इसी तरह इन के बाद इल्ला आ रहा है और माँ के बाद भी इल्ला नजर आएगा आपको माँ हाजा ये रही ना एग्जाम्पल माहाजा इल्ला बशर मिसल माह इल्ला अला देखे इसमें ये ये ना बशरुन नॉर्मल कंडीशन में ना जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि ये अपना इफेक्ट खो देगा इसको जरूरी नहीं है कि बाजायदा लगेगा या फिर मंसूब होगी ये देखे इसमें माहाजा इल्ला बशरून नहीं है वो मगर बशर तो इसमें आपको रफा हालत में दिख रहा है जबकि हमने हजाजिया में पढ़ा था कि वो यहाँ तो उसको मनसूब कर देगा या बाजायदा लगेगा ठीक लेकिन ये जब इल्ला बीच में आ गया तो वो अब उसका इफेक्ट आगे नहीं जाता वो नॉर्मल जो भी इसका होगा मा इल्ला बशरु बशरुक इस तरह आए की चीजे सही अंता इल्ला माता बशरुना माँ नहीं हो तुम मगर बशर तो इस तरह बहुत सारी दफा नजर आता है तो इसीलिए ये पूरी स्लाइड ही आपके लिए कर दी गई अब ये वाली आयत है इसको देख लेते हैं वमा जालना नारी इल्ला मलाइका इसमें हम देखते जाएंगे माज इसको मैं सिर्फ अभी वो करती हूँ कि वामा जो अल्ला साबन नारी मलाय का। ये पहले बताए माँ तो है और हरफे फे नफी है, मगर ये किस है? पे ऐड पे। फेलिया फेलिया पे। फेलिया पे तो हुआ होता होता है तो सिर्फ जोरदार नहीं, नहीं बनाया हमने ये किसी चीज़ का सख्ती से बता रहे होता है कि इस तरह नहीं किया हमने जो तुम समझ रहे हो जैसा नहीं बनाया हमने आग वालों को मगर फरिश्ते जो उसके बनाए फिर वमा ज अल फिर फेल पे ऐड हुआ यहाँ पे भी मगर इसमें माँ के बाद इल्ला आ रहा है आपको याद है और जुमला तो फेलिया, जु फेलिया की, की, जु की दुनिया में भी होता है जुमला फेलिया की दुनिया में अब आइए माँ प्लस इल्ला दिख रहा है और हम ट्रांसलेशन उसी तरह कहते हैं नहीं बनाया हमने उनकी गिनती को मगर सिर्फ इसलिए की आजमाइश इस तरह ट्रांसलेशन होती है इसकी तो वो यहाँ पे वो अच्छा वालाब अच्छा ये ला यताब दिख रहा है हमें एक निगेशन ये किस चीज का निगेशन है ये भी ये भी फेलिया का है फेलिया का निगेशन है ना और ला ये वाला निगेशन सबसे ज्यादा यूज होता है फेलिया में जो ला के साथ मुदार नजर आता है फिर और कौन सी निगेशन है वमा या जुनूद रबी का नहीं जानता लश्करों को तेरे रब के मगर वही तो ये भी माँ आया और जुमला फेलिया आ गया ना माँमो याल। और इसमें भी इला आ गया, गया तो ये शेयर टूल वाला है वमा वा इल्ला आ गएर और ये कौन सा है ये तो जुमला फेलिया था जे एफ था और था और यहाँ पे आखिरी जो है वमा ही इल्ला जिक्रा लिल बशर जिक्र। तो माँ या हाँ ये इसमिया है क्योंकि इसके बाद इसम दिख रहा है आपको मुब्तदा दिख रहा है तो ममा जिक्रशर तो ये क्वेश्चन जी जी वाला या ताबा जो है ना तो या ताबू होना चाहिए तो ये मंसूब की वजह से है अब, चले आप चल आप लोग बताएं अगर आप लोग देखें नासबा पढ़ चुके हैं जाजमा पढ़ चुके हैं आपने अच्छा सवाल उठाया मगर सोचे ऐसा कौन सा नासबा है जिसकी वजह से यहाँ पे आप भी देखे ये भी जजदाद भी दिख रहा है यस yes, <laughs> दादा, दादा और वाव से पीछे जाते रहे वाव से पीछे जाते रहे यहाँ से वाव से आगे जा रही है जिस से लजीना अमन व ईमानन वाला आता अच्छा वाव से पीछे जाएंगे तो फिर कोई चीज मिलेगी अच्छा ना इल्ला ना इल्ला फिर ली का ओली ये लामे तालील है लामे तालील ताके वाला ताके वाला हिकाम है तो ताके वाले लाम की वजह से लियस तयकीन ये असल में ये होना है ना क्योंकि मुदार तो तो ली की वजह से ये भी म, म, वो हुआ ये सब हो तो सब इसका लास्ट करेगा, way, नहीं। जहां तूड़ गया जहाँ पे टूट गया टूट गया अभी वह ताबल लजीना किताब मुमिनून यहाँ तक हो गया एक फिर एक वालॉर्ड लिया आ गया इसका फिर इस पे इफेक्ट आ जाएगा माज़ा तो रहा ब्रेक, ब्रेक हाँ चेन हो गया। ब्रेक इन चेन हो गया तभी याद करने में भी इसमें आपको और निगेशन भी दिखेगी हम ये वाली जो आए थे ना हमने एक तो देखी थी वमा माँ साहेब कुम्बे मजनून ये कौन सी है माँ हिजाजिया है ना माँ हिजाजिया में माँ क्योंकि इसमें बाद में बी दिख रहा है ना